हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेडी रिव्यूज। कैसे हैं आप गाइस? आज हम बात करने वाले हैं एक लिप बाम के बारे में। आई एम श्योर आपने खादी एसेंशियल का नाम सुना ही होगा। खादी एसेंशियल एक इंडियन ब्रांड है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप बिल्कुल न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको काफी बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। गाइस, अगर आपको प्रॉब्लम है लिप्स रिलेटेड, अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं या आपके लिप्स बहुत ही फटते हैं या फिर आपके लिप्स बहुत डार्क हैं या फिर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि मैं अपने लिप्स के लिए एक बेटर सॉल्यूशन क्या ढूंढूं ताकि मेरे लिप्स हमेशा लाइफ में सफल रहें, हाइड्रेटेड रहें और आपको बार बार इसको एक एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चराइजर और एक्स वाई जेड चीजों की जरूरत ना पड़े, तो मैं आपको बस यही बोलूंगी कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसे जरूर एंड तक देखिएगा। गाइस, तो आज का प्रोडक्ट है खादी एसेंशियल्स वाइन ग्रेपफ्रूट लिप बाम। आप देख सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है जो कि इस बॉक्स के अंदर आती है और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो इस तरीके से होगा। इस छोटी सी क्यूट सी टब के अंदर आता है ये आउटर। आप देख सकते हैं इस तरह से पैकेजिंग है इसकी। एमआरपी है इसकी 299 की, शेल्फ लाइफ है इसकी 2 ईयर्स की और जो क्वांटिटी है वो है 5 ग्राम्स की। इसकी पैकेजिंग में मुझे ये जो क्यूट टब है छोटू सा वो मुझे बहुत ही क्यूट लगा है, लेकिन इसका जो मुझे पार्ट एक अच्छा नहीं लगा वो इसकी कैप है। ये देखिए बहुत ही लूज कैप है इसकी, मतलब आप इसको जितना मर्जी घुमाते जाओ ये ठीक से बंद नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ पर आती है एक वाइट लेयर जिसे आपको रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं आपको लिप बाम नज़र आएगा। और ट्रस्ट मी, अभी मैंने लिप बाम ही लगाया है, कोई लिपस्टिक नहीं लगाई है, कोई ग्लॉस नहीं लगाया है। और अगर मैं आपको बताऊं जो मेरी जर्नी है लिप्स की वो बहुत 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 बुरी है, बट अब जब से मैंने इस प्रोडक्ट को लगाना शुरू करा है मेरी लाइफ बहुत बेटर हो गई है। आई नो कहीं ना कहीं आप लोग ये सोच रहे होंगे 299 MRP का ये प्रोडक्ट है और एक लिप बाम ही तो है तो मतलब इतना एक्सपेंसिव, बट ट्रस्ट मी ये नेचुरल है और प्योर है। गाइस, इस प्रोडक्ट को मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ, आपको रिकमेंड कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट। खादी एसेंशियल का ये प्रोडक्ट प्योर ग्रेप फ्रूट से बना हुआ है और आपको पता ही है बाम की ज़रूरत हमें विंटर में सबसे ज़्यादा होती है। समर्स में भी उन लोगों को ज़्यादा होती है ज़रूरत जिनको बहुत इशू रहते हैं लिप्स रिलेटेड। गाइस, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक आपको एक लाइट टेंट सा नज़र आ रहा होगा मेरे लिप्स पर। सेम लिप बाम को अगर आप चाहें तो आप एज ए ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं। आई नो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे लिप बाम से रिलेटेड जो कि समवेयर आप ढूंढ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, जैसे विच इज़ द बेस्ट लिप बाम। इसका आंसर साफ है, जो लिप बाम आपके कंसर्न्स को सॉर्ट आउट करे वही आपके लिए बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ भी लिप रिलेटेड कंसर्न नहीं है, जस्ट आपको अपने लिप्स मॉइस्चराइज रखने हैं, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जो कि सिर्फ मॉइस्चराइज्ड करें। लेकिन जो प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ वो आपके लिप्स को कहीं ना कहीं हील करने का काम भी करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, इज इट गुड टू अप्लाई लिप बम एवरी डे? तो उसका जवाब है यस। अगर आपके लिप्स ड्राई रहते हैं और आपकी आदत है लिप्स को छीलने की, जैसे कि आप डेड स्किन को रिमूव करते रहते लेयर बाय लेयर, तो आप लिप बम रेगुलरली लगाएं और हर दिन मॉइस्चराइज करें ताकि वो सॉफ्ट रहें। आप कहेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिप बाम? तो उसका आंसर, मॉइस्चराइजेस ड्राई लिप्स, हील्स चैप्ड लिप्स, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सन एक्सफोलिएशन, इट्स एन अमेजिंग लिप प्राइमर, इज एन ग्रेट PM लिप मास्क, एड अ हिंट ऑफ कलर, प्रोटेक्ट लिप्स फ्रॉम डैमेज। हो सकता है आप पूछें Does lip balm darken lips? तो उसका जवाब है, सस्ते क्वालिटी की लिपस्टिक, लिप बाम या लिप ग्लो से होने वाली एलर्जी भी होठों के काले होने का एक और बड़ा कारण है। आपके होठों के सौंदर्य प्रसाधनों में एक कठोर तत्व या रसायन भी हाइपर पिगमेंटेशन का कारण हो सकता है। स्मोकिंग या निकोटीन के उपयोग के समय के साथ होठ काले हो सकते हैं।
आप सोच रहे होंगे लिप बाम की इतनी तारीफ कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई लिप बाम के साइड इफेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ लिप बाम? तो उसका जवाब, हालांकि अगर आपको दाने, खुजली, सूजन और गंभीर चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ सहित किसी भी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल चिकित्सक की तलाश करें। गाइस, जितने भी लिप बाम अगर नेचुरल चीजों से बने हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको इश्यू नहीं देंगे स्किन रिलेटेड, बट अगर वो बहुत ज्यादा केमिकल से बने हैं तो डेफिनेटली हो सकता है वो आपको इश्यू दें, और ऐसे ही कंसर्न में आपको बेटर है आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट को रेफर करें, आप खुद घरेलू उपचार ना करें। इस लिप बाम की थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा लिया और इसे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ लगाकर। ये लिप बाम बहुत जल्दी ही ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन के साथ, और किसी तरीके से जिस तरह से आप वैसलीन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको व्हाइट पैचेस दे देता है, एक व्हाइट अलग से लेयर क्रिएट कर देता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। खादी असेंशियल का ये प्रोडक्ट क्लेम करता है फॉर लाइट एंड ब्राइट लिप्स, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा। और साथ ही साथ इसमें है विटामिन ई एंड एसपीएफ 20। तो जान लेते हैं विटामिन ई कैसे हेल्प करता है लिप्स के लिए। पहले विटामिन ई के बेनिफिट्स जान लेते हैं। विटामिन ई ऑयल इज अ स्टार प्लेयर फॉर लिप्स, इट मॉइस्चराइजेस, सूदेस इरिटेशन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द सन डैमेज एंड इवन हैज सटल प्लम्पिंग प्रॉपर्टीज, ट्रूली एन इंग्रीडियंट दैट कैन बी डू इट ऑल। अब जान लेते हैं क्या विटामिन ई लिप्स के लिए अच्छा है। विटामिन ई इज एन एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर दैट रिस्टोर्स स्किन हाइड्रेशन एंड एन आइडियल फॉर ऑल डे एंड ड्राई क्रैक लिप्स। विटामिन ऑयल यूजली यूज इन अ लिप केयर प्रोडक्ट हैज ह्यूमिकलेंट प्रॉपर्टीज दैट हाइड्रेट्स इमोलियंट प्रॉपर्टीज विच सपोर्ट द स्किन बैरियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खादी असेंशियल के लिप बाम के अंदर SPF 20 भी है, तो SPF 20 के बारे में भी जान लेते हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प करता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। SPF stands for sun protection factor and the number besides it indicates how well the sunscreen protects skin against sunburn. This antioxidant lip balm contains a sun protection factor of 20 to shield your lips from the darkening effects of UV rays when you step out. खादी असेंशियल के प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, नो SLS, नो पैराबेन, ओनली वीगन। गाइस, ये तो बात होगी, अगर आपके पास 299 रुपीज है देने के लिए तो आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास 299 रुपीज भी नहीं है देने के लिए तो आप फिर भी अपने लिप्स को पिंकिश, सपलनेस, मॉइस्चराइज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सोने से पहले रात को थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी नेवल पे लगाना है, और ट्रस्ट मी, ये आप रिलीजियसली रोज करें और आपके लिप्स बहुत ही बेटर डे बाय डे होते जाएंगे। गाइस, दिस वाज द शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, खादी असेंशियल लिप बाम। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। होप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप प्लीज उन लोगों के साथ जरूर ये वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें जिनको लिप्स रिलेटेड इश्यूज हैं। होप उनकी कहीं ना कहीं मदद हो जाएगी। एंड प्लीज, अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को व्यू करना, रिव्यू करना, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर व्यू कर सकते हैं। होप गाइज, हम जल्दी मिले नई वीडियो के साथ। अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जरूर उस प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।